हेलो दोस्तों, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ बोट का ब्लूटूथ वायरलेस हेडफोन का 201। तो ये मेरे पास बहुत पहले आ गया था और मैं इसको यूज़ भी कर रही हूँ अभी। तो मैं इसका अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैं इसका रिव्यू भी शेयर कर रही हूँ। तो इसका प्राइस तो 2000 है, पर मुझे ये 1500 में मिला है। तो मैं इसको खोलती हूँ और इसका रिव्यू मैं देती हूँ साथ साथ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये ब्लूटूथ 5.0 का है और इसका 10 mm का ड्राइवर है। तो इसका जो साउंड क्वालिटी है, जो बेस है, सब ठीक ठाक है, मतलब इस प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक है। और इसका जो चार्जर पॉइंट है वो है माइक्रो यूएसबी पोर्ट। तो इसका साउंड क्वालिटी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब इस प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और माइक का क्वालिटी भी ग्रेट है, मतलब मस्त है सब कुछ। तो इसके ऊपर सारे इसके इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये वाटर रेजिस्टेंट है, तो थोड़ा बहुत पानी और जो स्वेट होता है वो थोड़ा बहुत सह लेगा। तो इसको मैंने लगा के एक्सरसाइज किया है, तो ये अपनी जगह से हिलता नहीं है, बहुत अच्छे से ये टिका रहता है। और मुझे तो ऐसा फील होता है, मैं भूल ही जाती हूँ कि मेरे कान में कुछ है। मैं कभी कभी तो लगा के सो भी पड़ती हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। बहुत ही स्मूथ फिनिश है। तो मैं अब इसको खोल के दिखाती हूँ कि इसके अंदर मुझे क्या-क्या मिला है। तो ये जब मेरे पास आया था, इसका चार्जर पूरा ड्राई हो गया था, मतलब एकदम भी चार्ज नहीं था। तो मुझे फिर चार्ज में लगाना पड़ा, फिर मैं यूज़ कर पाई। तो इसको चार्ज होने में मेरा 1.5 घंटा से थोड़ा सा ज़्यादा लगा। और इसका जो पर्स है, इसमें 3 घंटा चार्ज रहता है आराम से। और आप इसके केस से इसके बट को 3 बार चार्ज कर सकते हो, अगर आपने केस को फुल चार्ज कर लिया। तो इसके अंदर जो वारंटी कार्ड, फिर मैनुअल बुक और सारे जो डिटेल्स का सब कुछ इसके अंदर है। एक एडेप्टर दिया हुआ है, एक्स्ट्रा जो टिप्स होता है, एयर टिप्स, वो दिया हुआ है, देख सकते हो, छोटे साइज़ का और बड़े साइज़ का। तो अगर आपका फिट नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो नॉर्मल जो दिया रहता है वो फिट हो जाता है। तो ये है हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, बहुत छोटा सा है, कॉम्पैक्ट सा है, बहुत ज़्यादा हैंडी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये प्लास्टिक का बना हुआ है, मैट फिनिश है। तो इसके ऊपर एलईडी जो ब्लूटूथ इंडिकेटर है वो इसके ऊपर था, पर अभी क्योंकि एकदम ड्राई है तो इसीलिए ये कुछ भी काम नहीं कर रहा है, कोई बटन या लाइट कुछ भी नहीं जल रहा है। तो इसको मैंने चार्ज पे लगाया, उसके बाद मैंने ट्राई किया। तो ब्लूटूथ कनेक्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है, पर इसका जो
चीज़ है वो है आपको राइट साइड का जो बर्ड्स है उसको कनेक्ट करना है, तो आपका जो लेफ़्ट साइड का है वो भी कनेक्ट हो जाएगा। पर मैं जब पहले कर रही थी तो लेफ़्ट साइड का कर रही थी तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो आप जब भी कनेक्ट करें तो पहले राइट साइड का जो है उसको कनेक्ट करिए, तो ऑटोमेटिकली लेफ़्ट साइड का हो जाता है। तो इसके अंदर कोई वॉल्यूम कम या ज़्यादा करने का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको जो भी करना है आपके फ़ोन से ही करना पड़ेगा। इसका जो मैग्नेट दिया हुआ है ये भी बहुत अच्छे से काम करता है, ऐसे ऊपर छोड़ दोगे तो ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा और आप जब इसके अंदर रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली चार्ज होने लगेगा। ओवरऑल ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और अगर आपका बजट कम है और आप कोई ब्लूटूथ वायरलेस हेडफोन ख़रीदना चाहते हो तो गो फॉर इट, ये प्रोडक्ट आपके लिए एकदम परफेक्ट है। और मैं पहली बार इस टाइप का कुछ वीडियो बना रही हूँ तो अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और मुझे सपोर्ट के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको अगर कोई भी सजेशन देना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो इंस्टा पे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।